श्रीमंत। तो युद्ध चाहते हैं आप, जरूर होगा, लेकिन मैं चाहती हूं कि युद्ध से पहले आप कुछ पढ़ लीजिए। वो बात मैं कह भी सकती हूं, लेकिन इतनी बड़ी सेना के सामने और इन दो अधिकारियों के सामने शायद वो सुनना आपको अच्छा ना लगे। राघो बताता, श्रीमंत राघोबा, अगर ये युद्ध होता है तो लड़ेंगे मरते दम तक, वो भी अपनी महिला सेना के साथ, हमारी आखिरी सांस तक। लेकिन अगर आप हार गए तो दुनिया में आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हम हारे या जीते, याद रखेगा इतिहास तो सिर्फ हमें। याद रखिए, मुकाबला हमारे साथ होगा, हमारी महिला सेना से होगा। क्या अब भी आप हमारे साथ लड़ना चाहेंगे, हमसे हारना चाहेंगे, या एक महिला को हराकर ये श्रीमंत रघुनाथ राव पेशवा अपनी नाक ऊंची कर दुनिया के सामने आ पाएंगे? संभावना तो बहुत है, मगर हर हालात में आपका बदनाम होना निश्चित है। क्या आप किसी भी संभावना को सच होते हुए देखना चाहेंगे? सरदार, छोटी रानी रघोबा के खेमे में गई है, अभी तक वापस नहीं आई। मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। हाँ, इस बात की आशंका बहुत ज्यादा है। हमारे विचार से हमें हमला बोल देना चाहिए, कहीं उनके प्राण को। नहीं, कुछ नहीं होगा। छोटी रानी ने हमें यहाँ रुकने का आदेश दिया है तो हम यहीं रुकेंगे। और वैसे भी जहां तक हम लोग छोटी रानी को जानते हैं, जब तक उनकी मर्जी ना हो तब तक हवा भी उन्हें नहीं छू सकती। क्या हुआ, रुक क्यों गए राघो का दादा? एक निहत्ती महिला आपके सामने खड़ी है, चलाइए अपनी तलवार और उड़ा दीजिए मेरी गर्दन। चलाइए, लेकिन उसके बाद क्या होगा सोचा है आपने? उसके बाद इतिहास के किताबों में आपकी बहादुरी के कसीदे पढ़े जाएंगे कि कैसे श्रीमंत रघुनाथ राव पेशवा, जिनके पास हजारों सिपाहियों की फौज थी, उन्होंने मालवा की निहत्ती रानी
अहिल्याबाई होलकर की गर्दन उड़ाकर मालवा पर कब्जा करने का अपना शौक पूरा कर लिया था। चाहिए चाहिए अहिल्या भाई, बख्श दी आपकी जान। बस इतना याद रखिए, ये हम आपसे डर कर नहीं, आप पे तरस खाकर कर रहे हैं, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप इस वक्त बहुत कमजोर हैं। और ये आप भी जानती हैं कि ऐसे कमजोर शत्रु को हराकर विजय प्राप्त कर लेने में कोई पुरुषार्थ नहीं। केवल इसी कारण मान लीजिए आज की ये लड़ाई मालवा ने जीत ली, परंतु हम वापस आएंगे, आप अपनी सेना और अपनी ताकत अपनी शक्ति एकत्रित कर लीजिए, तब हम वापस आएंगे और हमारी पूरी शक्ति के साथ आपकी पूरी शक्ति को नेस्तो नाबूद करके मालवा को हरा के विजय प्राप्त कर लेंगे। तब तक के लिए चाहिए अहिल्या भाई, चाहिए। आपका ये बड़प्पन और ये त्याग इतिहास सचमुच याद रखेगा राघव दादा। पड़ा उठाओ, यहां से निकलने का हुक्म दो सारी सेना को। खेसर खेसर खेसर, खेसर तू खेसर क्या खेसर क्या हमारे पास आओ। राजकुमार जी, राजकुमार जी हमारे पास बैठो। केसर तुम हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? पता है, बहुत बहुत इंतजार किया, बहुत बहुत याद आ रही थी हमें। राजकुमार जी, और पता है हमने सबसे कहा था कि देखना देखना केसर केसर जरूर आएगी। राजकुमार जी हमें छोड़ के हमें जाने दीजिए। राजकुमार जी नहीं नहीं केसर, अब हम महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? अब हम कहीं नहीं जाने देंगे। छोड़िए, नहीं महाराज, हमने हमने वैसे भी बहुत बहुत इंतजार किया। नहीं केसर केसर केसर, ऐसा ऐसा मत करो केसर, ऐसा ऐसा मत करो केसर, हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे केसर, जरा भी नहीं रह पाएंगे। हम महाराज बहुत प्यार करते हैं। महाराज जी छोड़ दीजिए, कोई केसर, केसर कोई तो बचाओ। या महाराज जी, या महाराज जी, केसर मैं केसर नहीं हूँ, आपको धोखा हुआ है। नहीं नहीं कोई धोखा नहीं हुआ है, मैं तुम केसर ही हो, हमारी केसर। राजकुमार जी और हम बहुत प्यार करते हैं, हम नहीं रह पाएंगे। राजकुमार जी जाने दीजिए हमें। नहीं केसर,
अब तुम कहीं नहीं जाओगे। हमें जाने दीजिए राजकुमार जी, हमारी बात मानिए। नहीं केसर, नहीं केसर, यहाँ पर हमारे पास। डरो मत, करते हो? डरो मत, नहीं छोड़ दो। अरे हम विनती करते हैं, छोड़ दीजिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।